बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। जी हाँ, कंचनजंगा एक्सप्रेस से एक मालगाड़ी टकरा गई है, जिसमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल कर दी गई है। 30 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद दोनों ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यह भी बता दें कि मालगाड़ी ने खड़ी ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी और मालगाड़ी ने ट्रेन को टक्कर मारी। आकाश दार्जिलिंग से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, अभी वहां पर क्या अपडेट है, क्या माहौल है? देखिए श्रुति, मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में जो हमें जानकारी मिल पाई है, उसमें 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। साथ ही बताया गया है कि 25 लोग गंभीर हैं। तस्वीरें भयावह हैं और साथ ही एनडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन ने टक्कर मारी थी उसका उसके जो इंजन केबिन में कहें कि लोको पायलट जो है वो अभी भी कहें कि उसमें फंसे हुए हैं, तो तस्वीरों में वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ की टीम और जो रेलवे की तमाम टीमें हैं वो निकालने का प्रयास उन्हें करेंगी। साथ ही और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जो अन्य पहलू हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा इस मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर किसकी गलती की वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि शुरुआती जानकारी जो रेलवे अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि सिग्नल ओवरशूटिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। जहां तक सिग्नल ओवरशूटिंग की बात है, तो सिग्नल ओवरशूटिंग का मतलब है कि सिग्नल को गलत एस्पेक्ट पर क्रॉस किया गया है, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की लाइन थी जहां पर दो ट्रेनों को बड़ी आसानी से एक के बाद एक चलाया जा सकता है, लेकिन किसी लोको पायलट की गलती की वजह से अगर ओवरशूटिंग हो जाती है तो ऐसे हादसे अमूमन देखने को मिल जाते हैं, और इस मामले में भी वही बताया जा रहा है। मौजूदा समय में रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा ध्यान है। सभी सीनियर अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस लगातार वहां बनी हुई है। इसके अलावा सीनियर डीसीएम, डीआरएम और जोन लेवल की जो तमाम अधिकारी हैं वो वहां पहुंच गए हैं और मौजूदा समय में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। श्रुति, आकाश, क्योंकि आपने बताया लोको पायलट अगर ओवरशूटिंग करता है तो क्या इसकी जानकारी पहले लोको पायलट को नहीं दी जाती है? देखिए, ये ह्यूमन एरर में काउंट किया जाता है। हाँ। और लोको पायलट जो होते हैं वो इस बात की ट्रेनिंग उन्हें बकायदा दी जाती है कि किस तरह से किस एस्पेक्ट से ट्रेन को चलाना है, लेकिन आमतौर पर जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो किस वजह से ये ओवरशूटिंग हुई है, क्या उसका कारण रहा है, ये बेशक जांच का विषय है। लेकिन देश भर में हजारों रेलगाड़ियां चल रही हैं। अभी मैं और आप जब बात कर रहे हैं तब भी हजारों रेलगाड़ियों का परिचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, और इंडियन रेलवे के जो और सिग्नलिंग सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो इसे फेल प्रूफ सिस्टम कहा जाता है, और उसके बावजूद अगर यह हादसा हुआ है तो इसकी तह में जाना जरूरी है। इंक्वायरी जरूर बैठेगी, साथ में कल या परसों तक ज्वाइंट नोट आ जाएगा, या आज शाम तक ही अगर ज्वाइंट नोट आ जाएगा तो इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि क्या वो कारण थे जिनकी वजह से हादसा हुआ। मौके पर अधिकारी क्या कह रहे हैं आकाश, कितने लोगों की, 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 30 से ज्यादा गंभीर बताए जा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, कितनी देर में उस ट्रैक को क्लियर करा लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल, जहां तक ट्रैक की बात है तो इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। वहां पर ट्रैफिक जो है वो बाधित है, अप और डाउन लाइन दोनों ही कहें कि दोनों ही तरफ से ट्रैफिक अभी नहीं आ रहा है। मौजूदा समय में जो ह्यूमन लाइफ हैं, जो जिंदगियां हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। 5 लोगों की डेथ की बात कही गई है, साथ ही 25 लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। उन लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ट्रैक को भी क्लीन कर यहाँ पर ट्रैफिक रिस्टोर कर दिया जाएगा। क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी पहुंचने के आसार हैं? मौजूदा समय में इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि जानकारी में बताया गया है कि रेल मंत्री वॉर रूम से ही लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, और 2-3 घंटे की अगर हम बात करें तो ये अनुमान है हमारा कि 2-3 घंटे में इस ट्रैक को भी क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि बताया गया कि जो पैसेंजर ट्रेन के जिन डब्बों को कहें कि सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है वो गार्ड का डिब्बा है, जिसमें कोई यात्री नहीं होता, सिर्फ गार्ड होता है, और 2 पार्सल वैन है जिसमें पार्सल जाते हैं, तो सीधे तौर पर जो पैसेंजर डिब्बे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचा है, या कहें कि आगे के जो डिब्बे हैं जो प्रभावित हुए हैं तो उनको कम इंटेंसिटी के साथ, लो इंटेंसिटी के साथ वो जो हिट है वो हुआ होगा, और उसकी वजह से ये जो घायलों की संख्या हमें मिल रही है। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए। आकाश हमारे संवाददाता दार्जिलिंग से सीधे जुड़े हुए थे, तस्वीरों को समझाने की कोशिश, वहां के मौका वारदात पर क्या कुछ चल रहा है वो भी बताया। ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, बंगाल में ट्रेन हादसा, एक खड़ी एक्सप्रेस ट्रेन पर जहां मालगाड़ी स्पीड में आते हुए और उस ट्रैक पर खड़े एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर मारती है, 3 बोगियां ट्रेन की
पटरी से उतर जाती हैं, जिसमें भीषण सड़क हादसा होता है। दार्जिलिंग में ये बड़ा हादसा हुआ, तस्वीरें भयावह करने वाली हैं। जिस तरह ट्रेन के डिब्बे क्षतिग्रस्त बताए गए हैं, दो लोगों से ज्यादा की मौत की खबर है, 25 लोग फिलहाल इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिस तरह क्योंकि अब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए जो रेलवे प्रशासन है उसने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। 15 से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने वॉर रूम से ही लगातार इस मौके पर नजर गड़ाए हुए हैं और जल्दी ही सुधार करने की बात फटाफट अंदाज में करने की बात की जा रही है। वहीं हादसे को लेकर ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अभी दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा क्षेत्र में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकारी स्तब्ध हूं जानकर। हालांकि विवरण की प्रतीक्षा है, कंचनजंगा एक्सप्रेस कथित तौर पर एक मालगाड़ी से टकरा गई है। बचाव और पुनर्प्राप्ति चिकित्सा सहायता के लिए डीएम एसपी डॉक्टर एम्बुलेंस और आपदा टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। युद्ध स्तर पर कार्रवाई जारी है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये ट्वीट सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और तमाम अधिकारी मौके पर जुटे हुए हैं। यात्रियों से भरी ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार हुई है, जिसमें जो यात्री हैं उनको पता नहीं था कि वो जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर आई है, 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। 15 से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ी मौके पर मौजूद है। ममता बनर्जी का यहां पर ट्वीट भी आ गया है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस तरह की जानकारी दी है, मौके पर वहां पर मौजूद है तमाम लोग। फिलहाल ये झारखंड से आप